तो रुको जरा, सबर करो। माँ कसम, पूरे इंडिया का पुलिस फोर्स इधर लगता है। बुलडोजर्स इन एक्शन इन मुंबई मीरा रोड क्रॉस टू। कल ही राज्य के गृह मंत्री ने दे दिए थे कि जो उपद्रवी है उनको किसी भी सूरत से अब बख्शा जो है वो नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह की हिंसा भड़काने का किसी को कोई अधिकार नहीं। कितना बांटा बंगाल, एक बार बांटा था लॉर्ड कर्जन। अब आपका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, केजरीवाल जी ये केजरीवाल नहीं करप्शन बाल बन गए हैं। क्या है प्रभु का महल देख के आए प्रधानमंत्री जी नीचे जाके? लोग मुझसे कह रहे थे नीचे जाके क्या कर रहे हैं। हमने तय किया कि बहन जितनी भी मध्य प्रदेश 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीना अभी हम 12,500 रुपया डाल रहे हैं, जिसको बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपया तक हम ले जाने वाले हैं, लगातार उस राशि को बढ़ाते। इसलिए कि हमारी बहनों को छोटे छोटे काम के लिए हाथ ना फैलाना पड़े, पैसे ना मांगना पड़े, हर एक बहन का अपना बैंक में अकाउंट हो, खाता हो, उसमें हर महीने पैसे आ जाए, यह है लाडली बहना योजना। नकल तो ममता दीदी ने भी करी है, लेकिन मैं आपसे तो ये घोषणाएं जो हो रही हैं, इन घोषणाओं के पीछे क्या वजह है? आखिर सभी लोग कुछ ना कुछ देने की बात क्यों कर रहे हैं? हम 5,000 देंगे, हम 10,000 देंगे, हम 8,000 देंगे, हम 3,000 देंगे। मामा जी ने कहा है साफ साफ कि लाडली बहनाओं को जो 1,250 रुपये कर दिए थे, पहले 1,000 थी, 1,250 कर दिए, इसके बाद 1,700, 1,800, 2,000 से लेके कहाँ तक पहुँचाना है 3,000, और ये डेफिनेटली करवाएंगे। और इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है राहुल गांधी की एक बड़ी घोषणा। राहुल गांधी ने एक दिन घोषणा की थी कि हम 8,500 रुपये आपके खाते में देंगे, और उसका टाइम भी तय कर दिया है 1 जुलाई को। अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो क्या होगा? अगर सरकार बनती है कांग्रेस की तो जिस प्रकार से 1 तारीख को लाडली बहना का पैसा आपके खाते में आता है, कितना? 1,250 रुपये, अब ये कितना बढ़ के हो जाएगा? 8,500 रुपये। इस पर हम चर्चा करेंगे। 1 जुलाई को महिलाओं के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब 1 जुलाई को कैसे आएगा? 4 जून को सरकार बनेगी तो 1 जुलाई को आएगा। इसके फॉर्म कैसे भरेंगे? सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि इसके फॉर्म कहाँ से मिलेंगे आपको? तो आप लोग क्या करिए, प्ले स्टोर पर जाकर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, इसका फॉर्म बहुत जल्दी आने वाला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए, जी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए बहुत जल्द इसकी पूरी प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कहां से आपके फॉर्म मिलेंगे और आपको 1 तारीख को पैसा कैसे आएगा, ये सारी बातें बताएंगे। साथ ही साथ लाडली बहनाओं के लिए 3,000 रुपये की घोषणा, मोदी है तो महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है, ये कहना है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। वो कह रहे हैं कि भैया मोदी है तो महंगाई और बेरोजगारी दोनों बढ़ रही हैं, देखते हैं बेरोजगारी दर क्या है। अभी बेरोजगारी दर की एक नई रिपोर्ट आई, नई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 8% बेरोजगारी दर हो चुकी है, जो पहले 6.5% थी, यानी कि लगभग 1.5 से 2% तक बेरोजगारी की दर बढ़ रही है। वहीं महंगाई दर इस बार कम देखने को मिली है, यानी कि आपकी चीजें सस्ती हो रही हैं, खुदरा महंगाई दर जो है वो करीब 4.5 से 5% के आसपास आ चुकी है। राहुल गांधी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दे डाला, आप वो घोषणा जब सुनेंगे तो आपको ये सुनना चाहिए। आज रसोई गैस का सिलेंडर 1,200 रुपये मिल रहा है, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हमारे समय में तो ये सस्ता हुआ करता था। इस पर हम चर्चा करेंगे। देश की 90% आबादी परीक्षा देने के बाद या नौकरी तलाशते तलाशते थक जाती है, ये कहना है राहुल गांधी जी का। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज रसोई गैस मुद्दा भी डिस्कस करेंगे। अगर कांग्रेस सरकार आई तो क्या रसोई गैस सिलेंडर सस्ता होगा? अगर कांग्रेस सरकार आई तो क्या आपको नौकरी मिल जाएगी? अगर बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? अगर कांग्रेस सरकार आई तो क्या आपके अकाउंट में 8,500 रुपये मिलेंगे? तो हम आप देखते हैं। शुरुआत करते हैं, मोहन यादव जी अभी भी कैंपेनिंग के माध्यम से लगातार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। 1,250 की जगह 3,000 मिलेंगे ये तो कन्फर्म हो गया, लेकिन मोहन यादव ने आज भी राम मंदिर, कृष्ण भगवान सबको लेकर जनता के बीच में एक भाषण दिया है। आज मोहन यादव जी एक राजनीतिक कम और एक प्रवचनकर्ता दादा लग रहे थे। 30 सेकंड का वीडियो देखिए, इसके बाद हम बात करेंगे कि 1,250 रुपये के बाद 3,000 कैसे मिलेंगे, उसकी प्रोसेस, और 8,500 रुपये कैसे आएंगे उस पर हम बात करेंगे। चलिए सुनते हैं मोहन यादव का बड़ा बयान। आपको लगता
चलेगा, जीवन पूरा धन्य हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य से आप बताइए, एक इतने बड़े पराक्रमी कंस को मारने के बाद कोई यदुवंशी हो सकता है कि कुर्सी के लिए भूखे नहीं है, कुर्सी को लात मार करके पहले शिक्षा को मार लेंगे, उज्जैन गए। ये हमारे भगवान कृष्ण से ये सीखने वाली बात। और सीखे भी तो क्या सीखे, 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, और शिक्षा में भी जो ज्ञान अर्जित किया वो केवल स्वयं के लिए नहीं। आज इतने सारे कई सारे विद्यार्थी निकल गए, कई शिष्य निकल गए, लेकिन युद्ध के उस नगाड़े बज रहे हैं, लाखों लोग सेवा सीमा आमने सामने खड़ी है, और ऐसी सेना में भी अपने मुखारविंद से एक एक गीता के 18 अध्याय में जीवन का जो जन्मा वो मरेगा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। मृत्यु का कारण जन्म है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में अपने ज्ञान से वो जो शिक्षा ग्रहण की, वो जन्म सिद्ध करने के लिए जो पवित्र ग्रंथ बनाया, अपने उस गीता के पवित्र ग्रंथ की तुलना में दुनिया में कहीं भी बदलाव हुआ, कोई भी क्रांति हुई, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, महात्मा गांधी से लगा करके कोई भी देशभक्त जिनने अपने देश में आगे बढ़ के क्रांति का सपना देखा वो बगैर गीता के नहीं आ सकता, ये गारंटी दे सकता हूँ। पर राजनीति में भक्ति लीन हो रहे हैं भैया सबके सब, लेकिन बामा जी का बयान सुनना आपके लिए जरूरी है। लेकिन उसके पहले मैं सयान बयान सुनवाऊंगा। ये मामा ने बयान क्यों किया, घोषणा क्यों करी पता है? मामा ने इसलिए करी ताकि बहनाएं टेंशन में ना आ जाएं कि कहां 1250 कहां 8500। अब 8500 कैसे मिलेंगे ये तो भगवान ही जाने। लेकिन राहुल गांधी के बिहाफ में मध्य प्रदेश में घोषणा की थी जीतू पटवारी ने, और राहुल गांधी ने खुद भी घोषणा की है। तो पहले राहुल गांधी का बयान सुनते हैं, कल का ही बयान है ठीक है, जिसमें 8500 की बात करी है, और जीतू पटवारी सुनते हैं। उसके बाद मामा ने किस प्रकार से अपनी बहनाओं को बहलाने फुसलाने के लिए क्या कहा है, 3000। और हम बेरोजगार की बात करेंगे, थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए सुनते हैं राहुल गांधी का बड़ा बयान। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8500 रुपए, अगस्त में 8500, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर खटाखट 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 8500। इस भीड़ में से हजारों लोगों की लिस्ट बनेगी, 50,000 नहीं, 70,000 नहीं, 90,000 नहीं, 1,00,000 रुपया साल का अंदर जाएगा इनसाइड। तो ये खटाखट पैसे आने वाले हैं। अब खटाखट पैसे कौन देगा, कहां से पैसा इतना आएगा, क्योंकि जब लाडली बहना मध्य प्रदेश में लागू हुई थी तो करीब करीब 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। जिस भी राज्य में योजनाएं चल रही हैं वहां पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है। अब देश कर्ज में डुबा के पैसे बांट लो, और अब ये 8500 रुपए देने की बात की, देखो जीतू पटवारी ने इसमें हामी भरी है। जीतू पटवारी का बयान भी सुन लीजिए। देश की नारी शक्ति, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, देश की आधी आबादी, एक परिवार में परिवार को सुख शांति और समृद्धि में एक महिला का कितना योगदान होता है सर्वविदित है। कांग्रेस पार्टी ने महिला न्याय, नारी न्याय इस भावना को समझा है। कांग्रेस पार्टी का एक सोच है कि इस आधी आबादी को हर स्तर पर आधा हिस्सा नहीं मिलेगा तो समाज और देश दोनों समृद्ध नहीं हो सकते, और आधा हिस्सा सबसे पहले आर्थिक संसाधनों में मिले, इसको लेकर 50% हर नौकरी में हिस्सेदारी मेरी बहनों की हो, ये निर्णय ऐतिहासिक कांग्रेस पार्टी ने लिया है, वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो। सबसे पहली बात, जो गरीब महिला है, 1 साल में 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपया पर मंथ, पर महीने आपके खाते में कांग्रेस पार्टी डालेगी, हाथ का पंजा डालेंगे। राहुल गांधी जी ने ये भावना पूरे देश के सामने अपने न्याय पत्र में, महिला न्याय पत्र में दी है। मैं सभी बहनों से आग्रह करता हूँ, मैं आपका भाई हूँ, परिवार का साथी हूँ, कांग्रेस पार्टी आपके वोट से सरकार बनाकर आपकी सहायता करना चाहती है। सभी बहनों को 8,500 रुपया पर मंथ, 1 साल में 1,00,000 रुपया अगर
तो यहां पर पैसे देने की बात लगातार गवर्नमेंट कर रही है। अब आप बताइए, क्या आपको 8,500 रुपए मिलने का भरोसा है? तो भैया किसको वोट देना है तुम्हारी मर्जी। लेकिन यहां पर मामा ने कहा है, ये देखो इन्होंने तो 1 जुलाई तय भी कर दी, राहुल गांधी ने 1 जुलाई तय भी कर दी कि 4 जून को सरकार बनेगी, 15 दिन में पता नहीं कैसे सबके अकाउंट में पैसे डालेंगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर सबके अकाउंट में पैसे नहीं आने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि गरीब महिलाओं के, गरीब महिला मतलब जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, बीपीएल मतलब गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को मिलेंगे आपके इतने पैसे, सबको नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन लाडली बहनों के पैसे ये सबको मिलने वाले हैं। आप देख लो ध्यान से, मामा का बयान सुन लो। मामा ने इसी का काट है, किस चीज की? इनने कहे 8,500 रुपए, हम बोले दे 3,000 रुपए। देखो मामा जी ने क्या कहा। और मैंने मध्यप्रदेश में बनाई लाडली बहना योजना, जिसमें हमने तय किया कि बहन जितनी भी मध्यप्रदेश 1,32,00,000 बहनों के खाते में हर महीना, अभी हम 12,500 रुपया डाल रहे हैं, जिसको बढ़ाते बढ़ाते 3,000 रुपया तक हम ले जाने वाले हैं, लगातार उस राशि को बढ़ाते। इसलिए कि हमारी बहनों को छोटे छोटे काम के लिए हाथ न फैलाना पड़े, पैसे ना मांगना पड़े, हर एक बहन का अपना बैंक में अकाउंट हो, खाता हो, उसमें हर महीने पैसे आ जाए, ये है लाडली बहना योजना। नकल तो ममता दीदी ने भी करी है। तो यहां पर अब तो खूब हो गई बहनाओं की बात, लेकिन अभी भी बेरोजगारी और महंगाई दोनों मुद्दों को लेकर कांग्रेस हमलावर है बीजेपी के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे काम करे, जैसे कि 370 हटाई, 370 हटाना सबके बस की बात नहीं थी। 370 के बाद राम मंदिर का, अयोध्या का मामला कई सैकड़ों वर्षों से चला आ रहा था, उसको सेटल किया। उसके बाद कई सारे ऐसी योजनाएं जैसे कि ब्रिज बनाना, सड़कें बनाना, पुल बनाना, सब कुछ एक तरफ धरा रह गया, क्योंकि कुल मिलाकर महंगाई और बेरोजगारी ये मुद्दे आज के नहीं है, पिछले 100 साल से यही चला आ रहा है। कोई भी सरकार कभी भी बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाई, कोई भी सरकार कभी महंगाई खत्म नहीं कर पाई, क्योंकि महंगाई तो बढ़नी ही है। लेकिन आपको यह सोचना है कि वास्तव में प्रधानमंत्री के माध्यम से किए गए कार्य क्या आपके लिए बेनिफिशियल हैं, या कोई देश चलाने वाला व्यक्ति किसी इस प्रकार से काम कर रहा है, नीतियां सही है कि नहीं है, ये सब आपको बताना है। लेकिन फिर भी चूंकि चुनाव है, तो चुनाव में आपको सब बात करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से मैं सबकी बात करूंगा, पक्ष की विपक्ष की। जो अच्छा काम करेगा उनके लिए ताली, और जो गलत काम करेगा उनके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए देखते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान कि बेरोजगारी महंगाई के ऊपर उन्होंने मोदी को कैसे घेरा। हमारे गठबंधन की सरकार इसलिए आज मजबूत होके ठहरी है, ये देखकर मोदी जी को जरा, मोदी जी तो घबरा गए हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत उनके नाम से नहीं हूं, मैं पहले ही बोला कि हमारी आइडियोलॉजिकल फाइट है और विचारधारा का जब लड़ाई होती है तो हम जो आपके विचार गरीबों के साथ हैं, हम 80 करोड़ लोगों को फ्री खाना खिला रहा हूं। अरे भाई 35 किलो देकर मैं यहां बैठा हूं, तुम 5 किलो की बात कर रहे हैं हाँ? और बोल रहे हैं ये मोदी है तो मुमकिन है। ठीक है भाई, मुमकिन क्या है? महंगाई मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, पेट्रोल महंगा हो गया ये मुमकिन है, गैस महंगा हो गया ये मुमकिन है, डीजल महंगा हो गया ये मुमकिन है, किसानों की फर्टिलाइजर महंगी। तो हो गई भैया महंगाई की मार और बेरोजगारी की मांग, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर सीएम योगी। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-3 लोग ऑप्शन में हैं प्रधानमंत्री बनने के, क्योंकि अगले साल 75 साल के हो जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये उनका आखिरी टर्म है, ये कंफर्म है, उसके बाद वो अपनी सत्ता क्यों बदल, ये बीजेपी पार्टी है, यहाँ पे बदलना पड़ेगा। तो अगला प्रधानमंत्री आप लोग किसको देखना चाहते हो? शिवराज मामा को, योगी आदित्यनाथ को, ठीक है, राजनाथ सिंह को, या फिर हमारे गृह मंत्री अमित शाह को? 4 लोग हैं आपके सामने, आपको मैं कल पोल दूंगा, आपको बताना है कि किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। रोज हमारे चैनल पे आइए, आपको नई नई चीजें मिलेंगी, रोज राजनीति में क्या चल रहा है, बेरोजगारी में क्या चल रहा है, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 6,00,000 सब्सक्राइबर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। राहुल गांधी जब उत्तर प्रदेश के बाहर होते हैं तो उत्तर प्रदेश की निंदा करते हैं, भारत के बाहर होते हैं तो भारत के खिलाफ निंदा करते हैं,
भारत के बाहर जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 2010 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब इन्होंने अमेरिका के एक अधिकारी से क्या कहा था, कहा था कि मुझे भारत के अंदर आईएसआई से डर नहीं है, मुस्लिम कट्टरपंथियों से डर नहीं है, आतंकवादियों से डर नहीं है, मुझे तो भारत के अंदर हिंदुओं से डर है। यानी हिंदुओं को बदनाम करता है व्यक्ति और फिर आप इसे वोट मांगेंगे। ये लोग जाति के नाम पर पहले आपको लड़ाएंगे, फिर जाति के नाम पर लड़ाने के बाद आपके आरक्षण को मुसलमानों को बंदर बांट करने का काम करेंगे। क्या आप इस अनुमति इनको देंगे? क्या ये अनुमति देंगे क्या? हाँ, तो भैया यहां पर राहुल गांधी को तो पता नहीं योगी आदित्यनाथ जी बिल्कुल क्या समझते, बोलते हैं उनको राजनीति आती ही नहीं। क्योंकि क्या होता है कि कई सारी योजनाएं मैं आपको एक दो वीडियो दिखाऊंगा जिसमें कुछ वर्ड्स उनको समझ में नहीं आते तो आसपास वाले से पूछते रहते हैं। राहुल गांधी जी के कई सारे मीम्स वायरल होते हैं, उनके लिए जो लोग बोल रहे हैं उनके बीच में क्या वक्तव्य रखना चाहिए, जवाब क्या देना चाहिए। जैसे भी उनसे पूछा गया, एक महिला ने पूछा, सॉरी एक लड़के ने पूछा राहुल गांधी से कि जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, अडानी अंबानी को एयरपोर्ट बेच दिए गए, ट्रेन बेच दी गई, गेल सेल सब बेच दिया गया, तो क्या आपकी सरकार आएगी? भाई किससे पूछा, राहुल गांधी से, कि आपकी सरकार आएगी तो क्या निजीकरण बंद हो जाएगा, सारी चीज़ सरकारी वापस हो जाएंगी? तो पहले समझ में नहीं आया निजीकरण क्या होता है, तो पूछते हैं निजीकरण का मतलब क्या, निर्जलीकरण, पता नहीं क्या ही पूछते हैं। बोले हाँ ठीक है, नहीं समझ में आता। उसके बाद क्या हुआ कि भैया उसके बाद बोला कि नहीं यार ये बड़ा मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि ये हो पाएगा। मतलब तुम्हारी सरकार आने के बाद भी निजीकरण खत्म ना कर पाए तो फिर हम काहे के लिए सरकार लेकर आए? क्लियर समझ में आ गया ना क्या हुआ? इसीलिए अभी भी मैच्योरिटी की बहुत जरूरत है राहुल गांधी को। 50 साल के युवा नेता, 52 साल की तो प्रियंका गांधी हो गई है, 52 साल की, 45 साल के युवा नेता हैं हमारे राहुल गांधी, लेकिन रसोई गैस सिलेंडर के मामले में महिला से बेहतर कौन समझ सकता है? रसोई गैस 450 से 500 से 600 फिर सब्सिडी के साथ में मिलने शुरू हुई, अब सब्सिडी कर दी खत्म, 1200 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, इस पर घेरा है प्रियंका गांधी ने। देखते हैं ये बड़ा बयान। आप मुझे बताओ कौन परेशान नहीं है? मेरी बहनें दुकान जाती हो, सारा सामान खरीद के आ जाती हो, मान लो 5 सोच के जाती हो कि मुझे 5 सामान खरीदने हैं, ये सच है कि नहीं कि 3 तो छोड़ के आ जाती हो, है कि नहीं? सोचती हो कि चलो बाद में ले लेंगे, अभी जो जरूरी है वही लेंगे। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का हो गया, यही लोग, यही आपकी सांसद, जब 400 रुपए का सिलेंडर हुआ दिल्ली में, सिलेंडर पे बैठ के मीडिया को बोली कि हम हड़ताल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे कैसे हो गया 1200 का हो गया, चुप। कौन खरीद रहा है ये सिलेंडर 1200 का? ये तो नहीं खरीद रही, आपको खरीदना पड़ता है, नहीं तो गैस नहीं है। आपको सिलेंडर दिया इन्होंने एक पहले शुरू में कि देखो बड़ी योजना आई है मुफ्त में सिलेंडर, बाद में भरना ही मुश्किल हो गया, भरवा नहीं पाए आप। मामा का चला और मैंने मध्यप्रदेश को बनाई लाडली बहना योजना, जिसमें हमने तय किया कि बहन जितनी भी मध्यप्रदेश 1,25,00,000 बहनों के खाते। तो प्रियंका गांधी ने बड़े बड़े बयान दिए, मामा ने पलटवार किया, योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया कि कांग्रेस सरकार के जितने भी नेता हैं, मैं बता दूं आपको, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी ऐसे नेता हो, ये लोग क्या नेता हैं? जब कोई समस्या आती है, देखिए आप विपक्ष में हो तो आपने नेता बनने का मतलब जानते क्या होता है, समाज में जाइए, लोगों से मिलिए, उनकी समस्याएं दूर कीजिए, उसका नेता बनिए। एसी में बैठ के बड़े बड़े महलों में बैठने के बाद आप क्या चाहते हो भाई, सत्ता तुमको मिल जाए, सत्ता तुमको मिल गई तो क्या करोगे तुम? हमने देखा है कांग्रेस का शासन, उस समय कई महीनों तक, सालों तक सांसदों को, विधायकों को देखना नसीब नहीं होता था, अपनी गाड़ी में घूम रहे हैं, बढ़िया मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, और आज आ गए नेता बनने के लिए, ये एक सस्ता कर देंगे, वो महंगा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, महिलाओं खातों में 8,000 रुपये डाल देंगे। इसी 8,000 रुपये के चक्कर में आज मामा को घोषणा करनी पड़ी कि हम 3,000 रुपये डालेंगे। भैया देखो, मैं बोल रहा हूँ कि देश तरक्की तब तक नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं नहीं कमाओगे। स्वयं कमाओगे तो आपकी जीडीपी बढ़ेगी, फ्री में बांटोगे जीडीपी कम हो जाएगी, जीडीपी कम होने से देश की तरक्की रुक जाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप योजनाएं चलाइए,
एक नॉमिनल में 1,000-1,200 रुपए दे रहा, बहुत अच्छी बात है, दे रहा हो ठीक है। अब 8,000-8,000 रुपए 1-1 लाख रुपए बांटना शुरू करोगे तो देश कहां जाएगा? नौकरियां पैदा करो, रोजगार पैदा करो, 30 लाख नौकरियां देंगे। पूरे भारत में 30 लाख नौकरियां हैं भैया, मध्य प्रदेश में ही 30 लाख की जरूरत है, यानी कम से कम 2-3 करोड़ नौकरियां तो दो यार। क्या बताओ, 140 करोड़ जनता, उसमें से करीब 65 करोड़ युवा आबादी, 65 करोड़ आबादी में से आप 30 लाख नौकरियां दोगे तो क्या सबके घर चल जाएंगे? इसी प्रकार से प्राइवेट नौकरी हो गई, प्राइवेटाइज नौकरी हो गई, सरकारी नौकरी हो गई, सब पे प्रतिबंध मत लगाओ। कई जगह पर आपने देखा होगा कि जब भी सरकारी चीजों को प्राइवेटाइज किया जाता है तो उस पर सरकार नजर रखना बंद कर देती है, जबकि रेगुलेटरी बॉडी गवर्नमेंट को होना चाहिए, हर एक प्राइवेट संस्था पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए कि वो कितने समय पे लोगों को रख रहे हैं, प्रॉपर समय पर छुट्टी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, सब टाइमिंग प्रॉपर एडजस्ट करनी चाहिए, वेतन दे रहे हैं, सब कुछ प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्राइवेट कंपनी में 5-5 महीने 6-6 महीने, अरे प्राइवेट कंपनी क्या बात करेंगे, अधिक शिक्षकों को 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, 10-10 महीने से वेतन नहीं मिल रहा, तो यार वेतन को आप 10 महीने तक होल्ड कर रहे हो, 6 महीने होल्ड करो, गलत बात है ठीक है। वैसे ही 8,000-8,000 रुपए 6,000 रुपए तुम दे रहे हो, 8,000 रुपए देने के बाद भी तुम बोल रहे हो कि हम 6 महीने तक वेतन नहीं देंगे, तो वो कैसे काम करेगा? आपको रोजगार मुहैया कराना चाहिए, लोगों को कमाने के लिए स्किल सिखाना चाहिए, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं ठीक है। और जो होता रहेगा वो देखा जाएगा, लेकिन आपको मेरे न्यूज देने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, वीडियो को स्टेटस पे लगाइएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा हो तो आप दीप्ति सिंह एकेडमी को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, या डाउनलोड कर लीजिए एप्लीकेशन। कहाँ पर जाएंगे? प्ले स्टोर पर जाइए, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन के माध्यम से आपको फ्री क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशन, बहुत कुछ मिलता है। दीप्ति सिंह एकेडमी घर घर, जी हाँ, पूरे भारत में घर घर फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देना चाहती है, उसके लिए हमारे 1 मिलियन डाउनलोड होना बहुत जरूरी है, इसलिए आप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार की खबरें लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, सर्च कीजिए दीप्ति सिंह एकेडमी, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी ठीक है। तो यहां पर शिवराज सिंह चौहान, मामा मोदी, सबकी बातें हम करेंगे। आप चूंकि एक सरकार चुन रहे हैं, सरकार चुनने के बाद आपको घर पर हाथ में हाथ रख के नहीं बैठना है। सांसद जिस प्रकार से हाथ जोड़कर आपके पास वोट मांगने आते हैं, आपको भी उसी प्रकार से उनके हाथ जुड़वाने पड़ेंगे, काम करवाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि विधायक आपका काम करें तो आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप वोट डालने जाइए और उनको उनकी औकात दिखाइए कि आपको हमने सर पे चढ़ाया है, आप कल के दिन हाथ जोड़ रहे थे जब वोट मांग रहे थे, और अब क्या हो रहा है, आप हमें आंखें दिखा रहे हो। सरकार को सरकार के तरीके से लीजिए और अपने काम व्यवस्थित करवाइए। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ये आपका भी कर्तव्य है कि वोट डालने जरूर जाना। जितने भी चरण बाकी बचे हुए हैं सबको एनकरेज कीजिए, घर बैठने से काम नहीं चलेगा। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। कितना बांटा बंगाल, एक बार बांटा था लॉर्ड कर्जन ने, 1905 में बंग भंग किया था लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल में आंदोलन की वैसी ज्वालाएं जली थी कि बंग भंग का जो फैसला था वापस लेना पड़ा, और अब बांट रही है ममता बनर्जी, धर्म में बांट रही है, हिंदू मुसलमान धर्म में बांट रही है। अब आपका तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, केजरीवाल जी, ये केजरीवाल नहीं करप्शन बाल बन गए हैं, केजरी करप्शन बाल, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस आदमी, ईमानदारी की सौगंध खा के आने वाला सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला। शर्म आती है मेरे बहन और भाइयों कहते हुए। और अभी बता रही थी रिचा बहन जी स्वाति माजीवाल के साथ क्या किया हुआ? अरे मुख्यमंत्री निवास में एक बहन के साथ ऐसा व्यवहार, उनका अपमान करना, बोलो सहन करोगी क्या? केजरीवाल जी ये भारत की धरती है, कल मैंने ममता दीदी को भी कहा, इस धरती पर एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो महाभारत हो गया था और कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था एक बहन के अपमान पर। और इसलिए ममता दीदी के यहां भी संदेश खाली जैसी घटनाएं हो रही है, जहां बहनों के साथ गलत हरकतें होती है और अपराधियों को बचाने का पाप अगर करती हैं तो इंडी गठबंधन के लोग करते हैं, ममता दीदी करती है, कांग्रेस के लोग करते हैं, और यहां खुद केजरीवाल करते हैं। बताओ ऐसे इंडी गठबंधन को कभी जीतने दोगे क्या? कांग्रेस को जीतने दोगे? यहां से तो कौन खड़ा है?
जो कहता था भारत माता को भारत माता नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह का साथ देने वाला, ऐसे आदमी को स्वीकार करोगे क्या? आतंकवादियों को मेहमान मंडित करने वाले को स्वीकार करोगे क्या?